खासियों का शर्त या इलाज है यहाँ हंसी का कह कहो का राज है यहाँ। खुशी से खिलखिला रही है हर नजर हर नजर। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए। मुझे ना वो फिटनेस वो जो स्मार्ट होते हैं, मुझे स्मार्ट होना है। एक एक भाईजान नीचे भी तो हो। नीचे नीचे हटे ना भाई। मैं मुझे कह रहे हैं तुम्हारी उम्र में डंबल तो क्या, मैं दो हाथियों की जोड़ी ऐसे उठा लिया करता था और ऐसे ऐसे घुमाता था उन्हें। ट्रेनर को बुलाना है। अब यहाँ ट्रेनर आएंगे जी भाईजान। कंटेनर आएगा। ट्रेनर कंटेनर नहीं ट्रेनर भाईजान। ये देख रहे हैं आप। अरे वाह आप ऐसे हो जाएंगे। ईमान से जी भाईजान वो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग साथी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ जी। घर आकर ट्रेनिंग देनी है। नहीं जी नहीं हमारे पास टाइम नहीं होता जी। जी हम दफ्तर बहुत जरूरी वेले बैठे होते हैं जी। हाँ जी जी साथी वो कह रहे घर आके ट्रेनिंग देनी है। फीस कितनी बताऊं? हजार से कम मत बताना। ट्रेनिंग के बाद मुझे तकना के लोगों ने शान पुले जाना। वो ट्रेनर तो आ ही रहे हैं एक्सरसाइज वाले। अगर आप भी कर लें तो बहुत अच्छी लगेगी स्लिम और स्मार्ट। वैसे भी अभी आपकी उम्र ही क्या है? हंडी बाकी नहीं। बात तो तुमने बड़ी अच्छी की। अभी मरे हैं सीधी मेरे दिल पे जाके लगी। मैं उनको कॉल करके बुलाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। हाँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। मैं तो कहीं नहीं जाने वाले दामाद मियाँ। अम्मी वो बाटी कब आएंगी कलाटी थे उठे तो बुलाओ। अरे भाड़ में जाए बाजी। हाँ? अब तो अम्मी बाजी होगी बेटा। आए मर गया। आए मर गया। बाजू सो गया। बाजू सो गया और मर गया फिर बोल रहा है। आए बाजू सो गया मेरा। भाईजान भाईजान बाजू सो गया मेरा। भाईजान अल्लाह मैं कमरे में हूँ। आप कमरे में हैं? क्या हुआ? हिसाब शुरू हो गया। नहीं नहीं आप जिंदा हैं। दोज़ख के फरिश्ते हो ना। नहीं भाईजान क्या हो गया आपको? मैं आपका साला हूँ। अरे कैसे हो? ये अल्लाह का शुक्र है। बाजू सो गई। यानी तो साथ लिटा दो ना। सुन हो गई। ओए 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 ये बाजू दबा। मैं सदके जाऊँ भाईजान जी। वो थोड़े से पैसे चाहिए थे। 500 रुपये तुमसे अच्छे हैं। मैं तो 5 रुपये अच्छे हैं। एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। भाईजान 500 तो मैंने मांगे नहीं। मैंने तो 1000 मांगने हैं। मैंने फिल्म देखनी है। 1000 मरतबा तुझे मैं पहले भी इनकार कर चुका हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारी आदत है कि जाती नहीं पैसे मांगने की। ठीक है। रोना मत। जहर लगते हो जब तुम रोते हो। ठीक है। जोर से दबाओ। तेरी बाजू है जैसे एक माचिस की तीली सी। 26 इंच की पेंट भी आती तुझको है ढीली जी। तेरी कमजोरी को देख के डॉक्टर भी ये कहता जी इसने नहीं जीना इसने नहीं जीना इसने नहीं जीना इसने नहीं जीना। 1 2 3 4 5 नाक को आपके देखा तो बिन हथी के आरी। जो भी सोचा दिमाग में लाहक वो भी मारी। हाय कीड़ा भी वजनी आपसे हुआ तोला तराजू में भी। पम पम पम। आपकी बाजू है जैसे एक माचिस की तीली सी। 26 इंच की पेंट भी आपको लगती है एक ढीली सी। आपकी कमजोरी को देख के डॉक्टर भी ये कहता जी आपने नहीं जीना आपने नहीं जीना आपने नहीं जीना आपने नहीं जीना। पैसे भाईजान दे देना। कितने पैसे चाहिए? 1000 रुपया। ईमान से नहीं है मेरे पास है नहीं। होता तुम्हें जरूर दे दे। हाथ ना जोड़ो पैसे जोड़ो मैं तुमको भरमाऊं। चलो जाओ यहां से।
मुंह बना के ऐसे ना मुझे तुम जलाओ, ओए मारूंगा तुझको, फेंटूंगा तुझको, बाजी ने कहा है जी। आपकी बाजू है जैसे एक माचिस की एक तीली सी, 26 इंच की पेंट भी आती आपको है ढीली जी, डॉक्टर भी कमजोरी को देख के ये कहता जी, इसने नहीं जीना, इसने नहीं जीना, इसने नहीं जीना, इसने नहीं जीना, इसने उसने बहुत दिल के साथ मुझे मारा लेकिन पैसे बच गए। इतनी जल्दी नींद आ गई ताजी? हाँ, इतनी दूर आ गए, थक गए, अब तो भूख दोबारा लग गई है। कोई बात, पता नहीं किधर का पता दे दिया उन्होंने। ओए मुझे मुझे शक पड़ रहा है कि यही घर है। ताजी घर तो वाह लगता है, क्योंकि यहाँ से मैंने कई दफा परिंदे निकलते देखे हैं। हाँ? हाँ। तो हैं, देखते हैं फिर अंदर जाके, कोई ऐसी हरकत ना कर देना वहाँ। ताजी आपको भी कहूंगा, जब आप खाना खिलाएंगे ना तो आराम आराम से खाना, एकदम ना तुम तो सारे भांडे भी साथ खा जाते हो, अगले फिर मुझे पकड़ लेते हैं यार। अच्छा अगर मैं बेएहतियाती करूँ तो उनके सामने मना ना करना, ठीक है? पता चल जाएगा उनको, मैं ना आपके पाँव पे पाँव मारूंगा, इस तरह तो मेरी चीची दाया हो जाएगी। चीची साइड पे कर लेना ना, आपको पता मैंने पाँव मारना है। चलो कोई देखना नहीं, आ जाओ। चलो जी, घर तो बहुत बड़ा है। हाँ। नवाब की सेहत इतनी लगती नहीं है, वो तो अपने घर में गुआच जाता होगा जी। मेरा ख्याल है यहाँ दरख्तों वगैरह पे रहता होगा। हाँ, किसी टटीरी से चपेड़े खा रहा होगा। उस्ताद जी ढूंढ लेते हैं, घर तो बहुत बड़ा उस्ताद जी, यहाँ पे 50,000 रुपया महीना मिलना है, 8-10 महीने हमने इधर ही लगाने हैं। मैं तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करूंगा। ये बात है उस्ताद जी, 50,000 जब भी मिलेगा पूरा 1,000 तुम्हें दूंगा। हाँ जी, मैं उस्ताद जी 800 इकट्ठा ही बताता जी, बड़ी बात है जी। नवाब जी, अच्छी खासी तस्वीर बना रहा था, बीच में बोल पड़ी, सारी तस्वीर खराब हो गई। अरे तस्वीर को छोड़े ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैंने सोने की ज्वेलरी बनवानी है। अब सोने के लिए भी ज्वेलरी की जरूरत पड़ती है? अरे आप समझ नहीं रहे, गोल्ड की ज्वेलरी, मैंने चूड़ियाँ बनवानी है। अरे मैं तुम्हें आज अपने दिल की बात बताऊं? हाँ हाँ बताइए। मेरा दिल करता है कि तुम हर वक्त सोने से लदी रहो, लेकिन डर है कि लोग बातें करेंगे कि तुम हर वक्त बीवी पे कुछ ना कुछ लादे ही रखते हो। जी जी, ये अभी क्या कहा? माफ कीजिएगा, वो मैं ख्यालों में खो गया था। मेरा जब भी अच्छा मूड होता है आप ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब कर देते। आपने चूड़ियां बनवानी है ना? हाँ। रोल्ड गोल्ड की भी मिल जाती है? नहीं वो नहीं, ओरिजिनल गोल्ड की चूड़ियां लेनी है मैंने। फिर असल अगर पहने रखोगी तो चोर पड़ जाएंगे। अरे चोर कोई नहीं पड़ते, घर में कहां से चोर आ गए? ला देना मुझे गोल्ड की चूड़ियां। सच बताऊं? क्या तुम्हारा भाई ही चोर है? मेरे भाई को चोर कहा? नहीं, वो नफीसा का भाई। अच्छा हाँ, वो तो मुझे शक्ल से चोर लगता है। हाँ बच गए। हाँ क्या मतलब? पैसे बच गए। पैसे क्या? नहीं पैसे क्यों बच गए? आप मुझे पूरे 50,000 दे। जल्दी आओ। नवाब जी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी एक्सक्यूज मी, पहले आप मुझे ये बताएं आप मेरे रूम में लेने क्या आई हैं? एक्सक्यूज मी, ये मेरी बेटी का घर है और मैं दामाद से बात करने के लिए आई हूँ। मेरे खावन में जी। तुम खामोश रहो, सुनो नवाब जी, ये मेरे भाई की बेटी है और इसे मैंने खास तौर पे यहाँ पे बुलवाया है। अल्लाह इसको सलामत रखे, बहुत प्यारी बच्ची है। कब जा रही है? ये कहीं नहीं जा रही, ये यहीं रहेगी और तुम पे नजर रखेगी जब तक मेरी बेटी घर नहीं आ जाती, समझे तुम? जी। कि तुम कितना खर्च करते हो इस पे, कान खोल के सुन लो ये बात। जी जिंदगी है कि अजाब है। तुम भी रो रही हो? खुदा के लिए मत रोना,
यहाँ सारा फर्श भर जाएगा, कौन निकल। वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर। भाईजान उठ जाएं, कब तक सोएंगे आप भाईजान? ओ डडुओं के मिनिस्टर, मैं यहाँ हूँ। अच्छा सॉरी, मैं समझा, इधर गेम खेल रहा हूँ सांप वाले। अपने आप को क्यों मार रहे हैं? मार डालूंगा। किसको? मैं इस घर में तमाम सांपों को मार डालूंगा। आप तमाम सांपों को मार दे, फिर हम जो खेल रहा उसे मार देंगे। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे बहनों ही है। तो मेरे कौन सा हस्बैंड है भाईजान, ये सब क्या हो रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ, खुदा के लिए मेरी जान छोड़, वरना मैं। क्या हुआ, क्या है? अजीब, नफीसा कराची चली गई है। वो छोटी वाली बेगम नाराज हो गई है। ऊपर से सास आ गई है और साथ उनकी भतीजी भी आ गई है। अब वो भी यहाँ रहेंगी तो कोई बात नहीं। मैं पहले ही बहुत परेशान। तो वो ट्रेनर कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं ट्रेनर? जिंदगी अजाब बना के रख दी मेरी। किसने? आप लोगों ने और किसने? भाई व्हाट यार, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अगर उनको चंद तके एडवांस में दिए होते तो अब तक आ ना गए होते। फुल पेमेंट दी हुई है हमने तो। की हुई है? थाने पैसे आपके चोरी करके उनको ही दिए। क्या? हाँ जी, उनको मैंने 60,000 रुपया दिया। ट्रेनर आया है, देखो ट्रेनर आया। हम पतला दिखाएंगे, देखेंगी अम्मियां जब गैब होगी सारों की टमियां, देखेंगी अम्मियां जब गैब होगी सारों की टमियां। मैंने शान के भी सिक्स पैक बनाए हैं, मैंने शान के भी वो, मैंने शान के भी सिक्स पैक बनाए हैं। मीरा रीमा को सारे गुर सिखाए हैं, इन मोटों की चर्बी मिटाई है, इन थैलों की डबल चिन मुकाई है। देखेंगी अम्मियां जब गैब होंगी सालों की टमियां, देखेंगी अम्मियां। भाई बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे तो सारे के सारे स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मत कर, ऐसे कर। गिड़ गेंद, गिड़ गेंद, गिड़ गेंद, गिड़ गेंद, गिड़ गेंद, गिड़ गेंद। आप ट्रेनर है कि अपना इलाज करवाने आए हैं? शायद आपने हमें पहचाना नहीं। जी नहीं, अभी तो हम आए हैं। आप कौन हैं? फिटनेस सेंटर से, ब्रूस ली। ऐसे मत करो बड़ा उस्ताद, बोलू बोलू उस्ताद बोलू। आप तो मुझे ना ब्रूस ली लग रहे हैं। आप आटा लेने आए हैं ना? बदतमीजी कर रहे, हमारे उस्ताद हैं। आटा लेने नहीं आए, आटा मांगने आए। जी? नहीं मतलब 50,000 जी, असल में आपका फोन आया था तो हमने आपसे राब्ता किया था। ये बताएं कि नवाब ऑफ पल्लापुरी कौन है? गंडापुरी। नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। जी हाँ। आप शेर से तो मुझे भूखापुरी लग रहे हैं। बल्कि आप गंडापुरी साहब, आप लगता है आपकी जान भी पूरी होने वाली है। उस्ताद जी, हमने क्या करना है? आपने हमें तंग करना है जी? नहीं मतलब ये कि हमें खुश करना है, उस्तादों की खिदमत करनी है। अच्छा। और हमने आपको ट्रेनिंग देनी है, चाहे आप तैयारी करके आए। अच्छा। आज से ही ट्रेनिंग शुरू है। जी सबसे पहले मेरी होगी। मैंने जमात होना है। वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर। इतना वजन कैसे उठाएंगे? जैसे पहले उठाया था उठाएं। हिम्मत करो, हिम्मत शाबाश, हिम्मत कर दरिया में डाल। वो नीचे रह गया। हवा नहीं उठानी, वजन उठाना है। साथ लाऊं? हाँ साथ लाना।
ए माशाल्लाह, वाह वाह वाह, ये होते हैं डोले। मैं जो शायर कभी होता तेरा डोला कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा डोला कहता, तुझको मैं नवाब न कहता बस निओला कहता। मैं जो शायर कभी होता तेरा डोला कहता, तुझको मैं आग लगाता तुझे शोला कहता। मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता। उठाएं उठाएं बस, नवाब ऑफ चंडापुरी साहब। गंडापुरी 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 ओ गंडा 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 गंडा। बहुत बुरी बात है ब्रूसली, उनको गंडापुरी, इतने अच्छे हैं वो। अजी बहुत ज्यादा वजन है, मेरी सांस फूल रही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप जो वार्म अप के 3 दिन थे वो खत्म हो गए। हाँ। आज से आपकी असल ट्रेनिंग शुरू होगी। आज ये सब्जियां उठाएंगे और कल आलू गोभी होगी, और परसों अगर टमाटर सस्ते हो गए तो वो होंगे, और फिर कचनाल गोश्त होगा, और अगले दिन 2 किलो चांपे लेकर आनी है काली मिर्चा में डब्बे में बनवा कर, और फिर धनिया गोश्त होगा, उसके बाद एक करेले में आपने घुस के ऊपर धागा लपेट के सोना है। अगर आप जिंदा बच गए तो आप कामयाब हो जाएंगे, वरना हम आपको खा जाएंगे। नहीं देखो, मैं इतनी सब्जियां गोश्त मैं नहीं खा सकता, ये तो हमने खानी है। नहीं तो मैं फिर मिस्टर पाकिस्तान बन जाऊंगा। मिस्टर पाकिस्तान तो सारे बनते हैं, आप जितने नेक आदमी हैं, जितने दयालु हैं, आप सिस्टर पाकिस्तान बने। यतीम बच्चियों के सरों पे हाथ रखें और आपको नेकी मिलेगी यहाँ भी और आखरत में भी। सिस्टर पाक, आप जितने कमजोर हैं, आप कमजोरों के मिनिस्टर पाकिस्तान बनेंगे। चलें, पकड़ करेगा आप। अरे अरे अरे, एकदम से ना छोड़े। चले आस्ता पकड़े, थोड़ा सा ना नीचे, थोड़ा सा बैंगन खाओ ताकि वजन बैलेंस हो जाए। इधर से? हाँ, थोड़ा सा खा लो। ताजी एक जैसा ही है वो। बस बस, इसको छोड़ दे, अब आपको खुराक की जरूरत है। सही है। लो ताजी, इसको वो दवाई देनी है जो हमने ब्रूस ली, जैकी चन और मिस्टर पाकिस्तानों को कई मर्तबा दी है। झारा पहलवान को भी दी थी हमने। हाँ जी, और भोलू पहलवान को भी। हाँ, उन्होंने आपको फिर बहुत मारा था। भाई मार तो पड़ती है इन्हीं कामों में जी। ये खाएंगे ना आप तो आपके डोले बाहर आ जाएंगे बिल्कुल। ये क्या है? ये मजून है। ये खाने के बाद क्या होगा? ये खाने के बाद आपकी बॉडी यूं बन जाएगी जैसे बसों की बॉडी होती है। आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। अरे वाह, और मुकाबलों में जाया करेंगे। हाँ, चेक करो। कुछ निकला? नहीं, मेरा सिर्फ हासा निकला जी। ये आपका अभी टाइम निकला जी, और कुछ नहीं निकला। नहीं तो ये डोले आपके ऐसे बन गए, जिधर भी आप जाके ये मुकाबले में दिखाएंगे ना, 30-35 हजार रुपया तो आपको फतराने में मिल जाएगा। ये मुझे दे दीजिए। ये आपने खाना है जी, और ये जो है ये आपने बॉडी के ऊपर लगाना है। अच्छा। और आपकी बॉडी यूं निकलेगी, यूं। सही है। और बॉडी पे ऐसे लगाना जैसे उंगली पे मरहम नहीं लगाते, उस तरह। एक दफा उठा के दिखाऊं? हां जरा चेक कर लो, क्योंकि आप काफी, मेरी सांस बेहतर हो गई। ये बात है, एक दफा सांस ले लें, एक दफा बस। इस तरह ना करें, फिर आपकी उंगली मेरी आंख में लग जाएगी। नहीं नहीं, ब्रूसली स्टाइल भी सिखाना ना आपको। उठाओ। अरे पहलवानों के होते हुए ब्रूसली ब्रूसली। आप थोड़ा सांस ले लो, फिर मैंने उठाना है। नहीं, हमने ले लिया, आपने उठाना भाईजान। सांस खींचेंगे हम, निकालेंगे। नीचे से ऊपर आ जाए। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। वेरी गुड। इसका तो कत्ल पड़ गया, आए अब दूसरों को देखते हैं। हाँ तो मेरे स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस्ताद की इज्जत बहुत जरूरी होती है। नहीं नहीं नहीं, जब आप इज्जत करेंगे तो काम खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगा। तो उस्ताद के कभी बराबर उधर चल गया, सारी कोठी के पत्ते खा गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। और फिर आज एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उस्ताद जी आपकी इजाजत।
नहीं अभी नहीं। मैं वैसे ही एहतियातन पूछा। दादी अक्सर से शुरू होने लगी, आप इजाजत ले ली। आप बदतमीजी हो रहा है। आप जैसे जैसे मैं करूंगा आपने मेरे पीछे पीछे करना है। आज का सबक आपको याद हो गया? आज का सबक याद याद। अबे पीछे नहीं कहना मेरी इको तुम, बस होगी बात। खामोश दोनों, खामोश। अब तुम दोनों का मुकाबला होगा, तुम दोनों की कुश्ती होगी, और जो गिरेगा वो जीतेगा, और जो गिराएगा वो मन की मुराद पाएगा। ये क्या बात हो उस्ताजी, यानी कि जो नीचे गिरेगा वो जीतेगा और जो ऊपर होगा वो हारेगा? तुमने सुना नहीं क्या? जितन जितन रोज करे तू कदी त्योहार फकीरा, जितन जितन रोज करे तू कदी त्योहार फकीरा, जितन दा मुल खोटा पैसा हारन दा मुल हीरा। जियो मेरे वीरा। मैं तैनो लम्मे पाना जी, तू मेरे नाल लड़ना जी, तू की जाने जोर मेरा, तू है कमजोर बड़ा, न टूट जाए बस ली तेरी, मैं तेनु लम्मे पाना जी, ना मेरे नाल लड़ना जी। कड़दुम्मा कड़दुम्मा ककदुम्मा कड़दुम्मा डोगर गोगी डोगर गोगी। सभी मैं तेनू लम्मे पावा जी। आए बस रोकर 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 डंडा डंडा। ये कोई तरीका नहीं, जब तक हमारी खाने वाली वर्दिश नहीं होगी कैसे समाज न साए। वो तो हम भूल ही गए उस्ताजी, हम वो सिखाएंगे। वो सिखाएं वो घटाकू घटाकू घटाकू। खाड़े वाली नहीं जो तो सफेदी करने वाली है, घटाकू दोनों हाथों से नहीं होती। आंटी जी उस्ताद क्या कर रहे हैं? घटाकू 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 घटाकू। आप बैठ के निकाली हैं, गिटकाऊं 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 गिटकाऊं। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, दिल करे गिटकाऊं गिटकाऊं गिटकाऊं, दिल करे गिटकाऊं गिटकाऊं गिटकाऊं, दिल करे गिटकाऊं गिटकाऊं गिटकाऊं, दिल करे गिटकाऊं गिटकाऊं। वर्जिश हो गई तुम्हारी मुकम्मल। इनको मेडिसिन दे, दवाई दे जरा। अरे ये दवाई को मामूली नहीं है, 10 लाख रुपए की एक खुराक है, इसलिए हमने नहीं बनाई। लेकिन तुम्हें हम बिल्कुल कौड़ियों के भाव दे सकते हैं। तुम हमें अच्छे लगे हो, अच्छे खानदान के हो। ये एक एक चमची सुबह दोपहर शाम मिट्टी के तेल के साथ खानी है। मिट्टी के तेल से? इस तरह तो अरे अगर कोशिश करके तील ही लगा लो तो बहुत ही इस तरह अंदर आग ही लग जाएगी। यही तो चाहिए। दोपहर डबल फैड़ा। आओ फिर जल्दी को मैं भी खाऊं। हाँ मिट्टी की नहीं चमटियां खाऊं। तू साईं बंदा जिन्नी मर्जी खा। मैं चाही चाही तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। कहीं हमारा राज खुल न जाए। मुर्गे फंस गए हैं उस्ताद, कट दूंगा। अरे डिक्टुम डिक्टुम डोगर गोगी गिट्टुम गिट्टुम छुआ पहु। वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर। दिल लगी में से दिल को लगी के दिल खो गया, हाय दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। अरे मगा मबा मगर सा दिल स्ताजी। हाय मामा मर गया,
मुबारक हो उस्ताद जी आपको, हमारी इधर आके एक्सरसाइज भी कामयाब होगी और मेडिसिन भी तड़ा तड़ा बिक गई है जी। अच्छी तुमने एक्सरसाइज कराई, वो डोगर गोगी और छपा पो, मैं तो हैरान हो गया। उस्ताद जी ये चाइनीज दाव है जो मैंने आपको भी नहीं बताया, आपसे भी छुपा के रखे हुए थे। अब मैं जापान में कुश्ती करने गया ना, इन्हीं दाव की वजह से तो मैं हारा। उस्ताद जी एक बात से मुझे हैरानगी हो रही है। क्यों? कि ये नवाब आदमी देखने को तीला सा लगता है, घर कैसा बनाया देखें जी, नीचे भी ऊपर भी दाएं बाएं इतना बड़ा घर है। हालांकि ऐसी चीजें घोंसलों में रहती हैं। और बड़े हौसलों से रहती है। उस्ताद जी मैं तो कहता हूँ पैसे पकड़ के निकलने वाली बात करें, कहीं ये ना हो कि हमारा राज खुल जाए और हमारे खुलने भी खुल जाए साथ पिछली दफा की तरह। बढ़ गई है तोंद, मेरा दिल रोता है। अरे क्या जलालत हो गई, मैं तो सोच रहा था स्लिम स्मार्ट हो जाऊंगा, हसीन लगूंगा, ये क्या हालत हो गई मेरी। अरे कहाँ चले गए सारे, कहीं मेरे हाथ आ जाएं वो फिटनेस वाले, मैं उनको कुंडी में रख के डंडे के साथ चटनी बना दूं उनकी। कौन लाया था इनको, मार डालूंगा। इतना हसीन कौन है? सोफा। यानी सोफे भी अब बातें करने लगे, इतनी बुरी दवाई खाई है मैंने, अजी दरवाजे खिड़कियां तक बोलने लग गए। तुम भी बोलो, तुम भी उड़ाओ मजाक हमारा। अच्छा जवाब दे रहे हो आगे से, मार डालूंगा। ये काली काली थी बदलियां, अभी तो मैं जवान थी, अभी तो मैं जवान थी, ये तबाहियां बर्बादियां किसने की, कहां गए ढूंढो उन्हें कहां गए। माफ कीजिएगा, मैं तो आपके दुख में शरीक होना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे साथ भी यही हुआ। उन कमीनों को मैंने कहा था कि मैं रीमा की तरह हसीन होना चाहती हूँ, उसने उसने मेरी साथ वाली वो जो अम्मा है ना हमीदा, उसकी बना दिया सारी सूरत, बेड़े गरक हो इनके नाम मुरादों के, ढूंढो उन्हें नवाब कहाँ है वो। अजी आहिस्ता बोले, मेरी जान मत निकाल लीजिएगा। तुम्हें मेरे दुख का अंदाजा नहीं हो रहा। अजी मुझसे ज्यादा दुखी कौन होगा, उन जालमों की दुआइयां रिएक्शन कर गई मुझ पे सारी की सारी। निकलो बाहर, अबे वो कहाँ चले गए गेंडे, कहाँ है न जाने कहाँ, दफन हो गए, कहाँ है वो। ये देखे मेरे साथ क्या हो गया, मेरा फेस देखे। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब, मेरा 20 किलो वजन और बढ़ गया है। अल्लाह रहम करे, जलजला आया, मैं समझ गया आप आ रही होंगी। अरे आप, आपको क्या हुआ, किस बात में ऐसी आ रही है, अल्लाह रहम। अरे ये चुड़ैले, अरे मेरी, अरे नाम मुराद, मैं सास हूँ नवाब की, मैं सास हूँ, पहचानो मुझे, मैं वही तो हूँ। अरे इनको क्या, आपको हंसी आ रही है, मेरी जान निकल रही है। अरे आप तो मुझे भी काट गए, मैं तो जा रही हूँ डॉक्टर को फोन करने, वेट रिड्यूस करो, आए 20 किलो पूरा बढ़ गया, मैं अपना वेट कम करूंगी। आंटी मैं भी जा रही हूँ ब्यूटिशियन के पास, ठीक है ना। अजी जो हालत होगी, ब्यूटिशियन के पास मत जाओ, नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ। आंटी मैं जा रही हूँ, अब तो ये तारे जल गई, जल गई, हाय मर गई, ढूंढो उन्हें कमबख्त कहाँ गए। अजी बैठ जाइए, आप तो बस के कंडक्टर लग रहे हैं। ओ मुझे ना कहो, मिलेगा जुल्म ना बदला, मिलेगा जुल्म ना बदला। दादी अम्मा, मेरा बच्चा, ओ
मीठे देते, मैंने उन्हें कहा मुझे अंडर टेकर बनाओ, उन्होंने मुझे डंगर टेकर बना दिया। मैंने उन्हें कहा मुझे फैशन क्रैशी बनाओ, उन्होंने मयो क्रैशी बना दिया। मैंने उन्हें अच्छा कर... हुआ तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, पर मुझे तो उन्होंने डोरेमोन बना दिया। अरे खबरदार, मेरे बच्चे को इस तरह कहा तो। यानी इस हालत में भी आप माफ नहीं कर रहे हैं? इस हालत में ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, आज इनकी वजह से हुई है। ये इन्होंने तो बनाया। निकल 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 बाहर निकल। अरे निकल, देखा हम पकड़े गए। मैंने कहा था मुझे जैकी चैन बनाओ, इन्होंने माना चैन बना दिया। तुम लोगों ने दवाई गलत इस्तेमाल की होगी। ये सब क्या हुआ, आपको गैस हो गई है? तुम ही लोगों को ढूंढ रहे थे। क्यों सर? अभी मैंने पुलिस को टेलीफोन किया है। अच्छा अच्छा, पुलिस को दावत दी है मैंने कहा मुझे ना टच मोबाइल बनाओ, इन्होंने टेटिटस बना दिया। ना मुरादो, अभी मेरी उम्र ही क्या थी, है 36 साल और मुझे बना दिया 55 साल। देखिए जी, 55 साल हमने अभी कम रखे, जो मेडिसिन आपको दी थी वो तो 70 साल वाली थी। मैंने कभी जेब में 100 रुपया नहीं रखा, अभी तो टीवी भी रख सकता हूँ। भाई मैंने अभी पुलिस को टेलीफोन किया है। अच्छा अच्छा, वो आपको यहाँ से बाइज्जत ले जाएंगे, यानी हमें घर छोड़ देंगे। नहीं, थाने जाके जूते मारेंगे। हाँ, वो देखे ना पुलिस वालों की, ये बड़ी अच्छी आदत है कि थाने ले जाकर। अरे अरे अरे, अब हम पुलिस का भी राज करेंगे। आगे पुलिस, आगे आइए आइए। माशाल्लाह, हमारी मर्तबा बड़े टाइम पे आए हैं जी। आगे खड़ा हो, ये भी है, ये भी है, ये है। इस आज नुसरत साहब की बरसी है भाई, नवाब साहब हमें 50,000 तो दे दे, हम उनसे कैसे छुटेंगे। मैंने सुना है आप नुसरत फतेह अली खान साहब से बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस जूते खा के आप भी वहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह। उदासियों का शर्तिया इलाज है यहाँ, उदासियों का शर्तिया इलाज है यहाँ, हंसी कौर कहका होगा राज है यहाँ। खुशी से खिलखिला रही है हर नजर, हर नजर। वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर, वेलकम टू नवाब घर।